हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। सो गाइस, आज एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं कोवैक्सीन के बारे में। आपको मालूम है कोवैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा मिथ है जो कि चल रहे होते हैं। काफी लोग जो है इसको क्रिटिसाइज करते हैं, काफी लोग जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और इंटरनेशनली जो है वो काफी कम देशों ने जो है वो कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया है। इनफैक्ट WHO ने भी कंप्लीट अप्रूवल है जो कि अभी तक नहीं दिया है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। एक अच्छी खुशखबरी है कि WHO के जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने दोस्तों कोवैक्सीन की जो है वो बहुत करी है, और उन्होंने बताया कि जो भारत बायोटेक के द्वारा जो डाटा दिया गया है वो काफी संतोषजनक है और इसकी ओवरऑल इफिशिएंसी भी काफी बेहतर है। बताया गया कि जो गंभीर मामलों में अगर कोवैक्सीन को देखा जाए तो 93% तक जो है ये असरदार है। बिना लक्षण वाले जो केस होते हैं, यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, वहां पे 63% है। हल्के अगर किसी को बुखार है तो 78%, अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो 65% एफिशिएंट है, और 93% जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन वाले लोगों के ऊपर ये इफेक्टिव है। तो सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि जो सीरियस कंडीशन वाले लोग हैं उनको कोई वैक्सीन है जो कि हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे काफी तारीफ है जो कि कोवैक्सीन भी करी गई है, और जल्दी ही हो सकता है कि WHO भी इनको अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर ले। ओके गाइस, अभी तक जो है सिर्फ 7 वैक्सीन है जिसको WHO की लिस्ट में फिलहाल है, जैसे कि मॉडर्ना है, फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, जेंसन है, कोरोना वैक करके है, एक सिनोफार्म है, और एक कोविशील्ड है। तो ये 7 वैक्सीन है जो कि आपको अभी तक WHO की लिस्ट में देखने को मिलेगी। सबसे मैक्सिमम इफिशियंसी की बात करें तो फाइजर की जो बायोटेक वैक्सीन है वो 95% उसको सबसे ज्यादा इफिशियंट है जो कि बताया जा रहा है। उसके बाद आता है मॉडर्ना 94, फिर आता है स्पुतनिक 92, फिर